सभी विद्यार्थियों, हमारा जो भी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, इसको आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन है, वर्गाकार द्विविमीय निबिड संतुलन का चित्र बनाइए। वर्गाकार द्विविमीय निबिड संतुलन, तो इसके अंदर जो ये परतदार संरचना होती है, ये एक के ऊपर एक संतुलन होता है, एक के ऊपर एक। और इसके अंदर अगर हम लोग संरचना बनाते हैं इनके अंदर, तो ये देखिए एक वर्ग संरचना बनती है इस तरह से। तो ये वर्गाकार द्विविमीय निबिड संतुलन का चित्र है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर टू, सिलिकॉन में बोरोन अपमिश्रित करने पर किस प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, समझाइए। तो इसके अंदर देखिए पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। सिलिकॉन के संयोजी कोष में चार इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और बोरोन के संयोजी कोष में केवल तीन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण एक धनात्मक छिद्र का निर्माण होता है। चार इसके अंदर पाए जाएंगे और तीन इसके अंदर पाए जाएंगे, लेकिन इनके जो चार होंगे तो एक ज़्यादा हो जाएगा, तो धनात्मक छिद्र का निर्माण होता है। अतः सिलिकॉन में बोरोन अपमिश्रित करने पर पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। आगे देखिए ठोसों की विषमदेशिकता तथा समदेशिक प्रकृति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए विषमदेशिक ठोस वह होते हैं जिनके भौतिक गुण जैसे कि विद्युत प्रतिरोधक तथा अपवर्तनांक भिन्न भिन्न दिशाओं में, दिशा उनकी भिन्न भिन्न है, मापने पर भिन्न भिन्न मान दर्शाते हैं, एक समान मान प्राप्त नहीं होता है। यह अलग अलग दिशाओं में कणों की भिन्न भिन्न व्यवस्था के कारण होते हैं। अलग अलग दिशाओं में कणों की जो व्यवस्था होती है वो भिन्न भिन्न होती है, जिसकी वजह से होता है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिक होते हैं, ध्यान रखें। इनका अपवाद भी है घनीय क्रिस्टल, विषमदेशिक के अंदर देख सकते हैं भिन्न भिन्न भौतिक गुणों के अंदर इनकी दिशा है और भिन्न भिन्न दिशाओं के अंदर जो इनके कण होंगे तो इनकी व्यवस्था भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती, दोनों में समान नहीं होती। इस तरह से समदेशिक में देखिए समदेशिक ठोस पे होते हैं जिनके भौतिक गुणों का मान सभी दिशाओं में समान होता है। क्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं क्योंकि इनमें कणों को दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होती है तथा सभी दिशाओं में अनियमित विन्यास प्राप्त होता है। सभी दिशाओं के अंदर जो विन्यास प्राप्त होगा वो अनियमित होगा, नियमित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सोना जिसकी परमाणु त्रिज्या है 0.144 नैनोमीटर, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है, इनकी कोष्ठिका के कोर की लंबाई, इसकी क्रिस्टलीकृत होता है और कोष्ठिका के कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिर्फ इनके कोर की लंबाई ज्ञात होती है, तो सोने की जो परमाणु त्रिज्या है वो R बराबर है 0.144 नैनोमीटर। फलक केंद्रित एकक कोष्ठक में फलक उद्गण है किसके बराबर है, 4R बराबर √2 है, तो A बराबर हो जाएंगे 4R अपॉन 2 √2 बराबर हो जाएंगे, इनका भाग देंगे तो 2√2R, तो R हो जाएगी त्रिज्या है R, तो 2 × अब √2 का मान होता है 1.414, इनकी त्रिज्या का मान दे रखा है 0.144 नैनोमीटर, तो बराबर हो जाएंगे 0.407 नैनोमीटर। तो एकक कोष्ठिका में कोर एड्स की लंबाई होगी 0.407 नैनोमीटर। अगला है बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक अर्धचालक और कुचालक को समझाइए तथा ऊर्जा आरेख बनाइए। इसके पहला देखिए चालक, वह पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन आसानी से होता है, विद्युत का चालन आसानी से होता है उन्हें चालक कहते हैं। कुचालक वह पदार्थ जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं उन्हें कुचालक कहते हैं।
तीसरा देखिए अर्ध चालक, चालकता चालको उर्कु चालकों के मध्य होती है, जो चालक होगी वो चालकों उर्कु चालकों के मध्य होती है। जैसे चालक धातुओं में चालकता बैंड तथा संयोजी बैंड पास पास होते हैं, ध्यान रखना ये दोनों पास पास होते हैं, किसमें चालक है, अतः इलेक्ट्रॉन आसानी से चालक बैंड में चले जाते हैं। कुचालकों के अंदर विद्युत विरोधी के अंदर क्या होगा, में चालकता बैंड और संयोजकता बैंड में ऊर्जा अंतर बहुत अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाते हैं, अंतर बहुत ज्यादा हो जाता है। आगे देखिए अर्धचालक, अर्धचालक के अंदर मध्यवर्ती स्तर की विद्युत चालकताएं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें चालकता बैंड एवं संयोजकता बैंड में ऊर्जा अंतर कम होता है। मध्यवर्ती स्तर की विद्युत चालकताएं प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें चालकता बैंड और संयोजकता बैंड में ऊर्जा अंतर कम होता है। तो देखिए ये जो आपका बना हुआ है बैंड सिद्धांत के अंदर, बैंड चालक अर्धचालक और अचालक, आंशिक पूर्णित बैंड है, इसके अंदर अतिव्यापित बैंड है और इसके अंदर कम ऊर्जा अंतर है और अधिक ऊर्जा अंतर है, जो वर्जित क्षेत्र है ये रिक्त बैंड है चालक बैंड के अंदर और ये पूरित बैंड है। तो इस तरह से विद्यार्थियों अब ये हमारा जो लेसन है आगे भी जारी रहेगा, तब तक के लिए नमस्कार।